का सुराग मिल चुका है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की सीमा पर शहाना खातून और आकांक्षा निखर मिल गई हैं और बीएसएफ अफसर इनसे पूछताछ कर रहे हैं। आपसी सहमति और संबंधों की बात सामने आ रही है। दोनों लेडी कांस्टेबल 6 जून से लापता हुई थी और बिलोआ थाने में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, आकांक्षा के परिजनों ने शहाना खातून पर अपहरण का केस भी दर्ज कराया था। तो शहाना खातून और आकांक्षा निखर मिल चुकी हैं। ये दोनों ही लेडी कांस्टेबल्स की तस्वीर आप देखिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की सीमा पर दोनों ही मिली हैं। दोनों के बीच संबंध होने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन पूछताछ का सिलसिला भी चल रहा है। 6 जून से ही लापता थी और अब जाकर उनका सुराग मिला है कि आखिर वो गई कहाँ थी। दोनों आपसी सहमति से एक साथ निकली थी और दोनों के ही बीच संबंध थे, जिसके बाद अब बीएसएफ के ऑफिसर्स जो हैं अब पूछताछ में जुट गए हैं, क्योंकि दोनों को ही वापस लाने की तैयारी है। बीएसएफ की लापता लेडी कांस्टेबल मिल गई हैं, शाहरा खातून और आकांक्षा निखर मिल गई हैं। मुर्शिदाबाद की सीमा पर दोनों मिली हैं और 6 जून से लापता थी। सुशील संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी आपके पास इस मामले में? जहां ग्वालियर के बीएसएफ टेकनपुर अकादमी से 6 जून को लापता हुई महिला लेडी कांस्टेबल बीएसएफ की आकांक्षा निखर और शाहना खातून दोनों ही बंगाल में मिली है और ये मुर्शिदाबाद जिले की सीमा पर मिली है और बीएसएफ जो है इन दोनों लेडी कांस्टेबल से पूछताछ कर रही है और लगातार इनसे अफसर भी पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। दोनों ही बीएसएफ की कांस्टेबल है और बीएसएफ के बारे में बहुत कुछ जानती है। इसके साथ ही दोनों लापता हुई थी तो लगभग एक महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो अब बीएसएफ अधिकारी इनसे जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये एक महीने के दौरान कहाँ कहाँ गई थी और बीएसएफ से लापता होने के गायब होने के पीछे इनका क्या मकसद था। प्रारंभिक तौर पर जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इन दोनों लेडी कांस्टेबल ने आपसी सहमति से जाने की बात बीएसएफ अधिकारियों को बताई है। ये भी बताया कि उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, गहरे संबंध है और यही वजह है कि वो दोनों आपसी सहमति से आई, किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ है। और अब बीएसएफ के अधिकारी बंगाल में लगातार इनसे पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद जो जानकारी है वो पुलिस को भी दी जाएगी, क्योंकि इन दोनों की गुमशुदगी बीएसएफ टेकनपुर अकादमी की तरफ से बिलवा थाने में दर्ज कराई गई थी। इसके साथ ही जो आकांक्षा निखर है महिला लेडी कांस्टेबल बीएसएफ की, उसके परिवार वालों ने भी ग्वालियर के बिलवा थाने में जो शाहना खातून है दूसरी बीएसएफ लेडी कांस्टेबल, उसके खिलाफ अपहरण सहित अन्य मामलों में केस दर्ज कराया है। इसके अलावा शाहना खातून के साथ ही उनकी बड़ी बहन और उनके परिजन भी जो है इस अपहरण के मामले में आरोपी है। तो निश्चित तौर पर अब बीएसएफ पूछताछ के बाद जो है अगली कड़ी पुलिस की आएगी, तो पुलिस भी इनसे पूछताछ करेगी। कुल मिलाकर सुशील, ये प्री प्लान्ड था और दोनों ने सोच रखा था कि उन्हें एक साथ कहीं दूर जाना है और इसी वजह से वो तब से लापता हो गई थी। हालांकि परिवार वाले, दोनों के परिवार वालों को क्या इस बारे में पता चल चुका है कि हाँ दोनों जो है आपसी सहमति से ही यहाँ से गई थी? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये दोनों गई थी ग्वालियर की टेकनपुर बीएसएफ अकादमी से, दोनों अपना फ़ोन यहीं छोड़ गई थी। इसके अलावा दोनों गई थी तो दोनों एक साथ गई, इसके पहले भी ये दोनों जब छुट्टी पर जाती थी तो साथ ही जाती थी। और परिवार वालों की अगर बात करें तो आकांक्षा निखर के परिवार वालों को शायद इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं थी कि इन दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती है, लेकिन जिस तरह से शाहना खातून को उसके परिवार वालों ने बंगाल में प्रोटेक्ट किया और सारा जगह उपलब्ध कराई, तो उससे लगता है कि शाहना खातून के परिवार वाले जानते थे इन दोनों के रिलेशन के बारे में। बहुत शुक्रिया सुशील।